हेलो, वेलकम। आपका स्वागत है हंस वाहिनी क्लासेज में। तो आज देखिए, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नए फैक्ट के साथ। तो जो आज हम बात करेंगे, वो आज हम बात करेंगे ओम्बुड्समैन, लोकपाल या लोकायुक्त की, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है, भाई हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों, ये हमारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं कि देखिए, पहला सवाल है आपके लिए कि क्या आप जानते हैं कि भाई ओम्बुड्समैन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, ठीक है। या फिर हम कहें कि ये बनाया क्यों गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा है कि भाई भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। या हम कहें कि भारत में पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया, लेकिन जब पेश तो किया गया तो ये पास हुआ कब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में अगर हम आपसे पूछें कि पहला लोकपाल बना कौन, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। किसी भी चीज़ आप पढ़ते हो कि भाई पहला कौन है, ये सब आपको हर सब्जेक्ट में आपको जानना जरूरी है। फिर वर्तमान लोकपाल कौन है, ये करंट का सिनेरियो है, मतलब करंट पे आपको पूछ सकता है। फिर हम बात करें कि लोकपाल की बात हुई, हम देखो जैसे हमने कहा कि हमने तीन चीज़ें लिखी हैं, ओम्बुड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, तो हमें तीनों के बारे में जानना जरूरी है। तो यही मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लोकायुक्त कहाँ पर होते हैं। और अगला आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि भाई पहला कौन सा राज्य है जिसने लोकायुक्त को बनाया, ठीक है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे, हम इन सब प्रश्नों का सब जवाब हम इसी टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाएगा। तो मैं जैसे मैंने कहा यार, पहला सवाल मैं यहाँ से बात करता हूँ कि भाई ये बनाया क्यों गया, बाकी लोग कोई चीज़ बनाई क्यों जाती है। तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आप जान ही रहे हो भाई, घूसखोरी वगैरह, तो भ्रष्टाचार इसको बनाने में मेन रीजन है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई सबसे जागरूक देश कौन है हमारा, ठीक है, जागरूक देश का मतलब है कि भाई भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए किसने पहली बार कोशिश करी होगी, तो वो है आपका स्वीडन। वो कौन है, स्वीडन। और तो यही हमारा पहले सवाल का आंसर है कि ओम्बुड्समैन की शुरुआत हुई कहाँ पर है, स्वीडन में हुई है 1809 में, ठीक है ना। 1809 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए ओम्बुड्समैन का गठन किसने किया है, स्वीडन ने किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो भाई स्वीडन में ओम्बुड्समैन है, वही समझ लो भारत में कौन है, लोकपाल है। मतलब भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल का गठन किया जाएगा, ठीक है। और बात रही कि लोकपाल और लोकायुक्त में फ़र्क क्या है, तो यही फर्क है कि भाई ये आपका केंद्र में होगा, केंद्र का मतलब है ये आपका भारत सरकार का होगा, और ये हर राज्य सरकारों में अलग अलग होगा। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये राष्ट्रपति है तो ये कौन है, आपका राज्यपाल है, ये राज्य में देखेगा और ये आपका केंद्र सरकार में देखेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि भाई ओम्बुड्समैन हमारा स्वीडन में शुरुआत है, मतलब विदेशों की लैंग्वेज है ये, ठीक है। लोकपाल हमने अपने भारत के लिए चुन लिया है, और लोकायुक्त चुना जाएगा हमारे हर राज्य के लिए, ठीक है। तो ठीक है, हम अपने आगे वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे तीसरे प्रश्न में जाते हैं कि भाई देखिए कि भाई भारत कब जागा कि भाई चलो भाई एक लोकपाल बना लिया जाए, ठीक है। तो भारत में जो पहला बिल है, ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला लोकपाल बिल कब पेश हुआ लोकसभा में, तो ये पेश हुआ भाई 1968 में, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ये पास हो जाएगा, बिल्कुल साहब बिल्कुल पास नहीं होगा ये, ठीक है। और ये नहीं होगा पास, कब तक नहीं होगा, ये बहुत बार आएगा, फिर 1971 में आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आगे भी 77 में आएगा, 85 में आएगा, मतलब लगातार ये 8-9 बार 2011 में आएगा, तब भी भाई कोई बंदा इसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। फिर दे के कि भाई ये पास कब होगा, 2013 के एंड में पास होगा और कानून बनेगा 1 जनवरी 2014। मतलब आप समझ लो हमारे कितने ईमानदार लोग हैं, वो लोग इस बिल को पास ही नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। और कब पास होगा वो जाके, 1 जनवरी 2014 में, ठीक है भाई चलो भाई जैसे तैसे लोकपाल बिल पास हो गया, अब लोगों को लगा कि यार ठीक है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अब तो लोकपाल बन जाएगा। लेकिन फिर भी भाई भारत सरकार बड़ी तेज निकली, ठीक है, तो उन्होंने प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी शुरू किया और कहीं जाके 2019 में जाके लोकपाल बना, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। देखने की बात, 1968 से शुरुआत हुई है, ठीक है, और कहीं जाके बना है कब, 2019 में, ठीक है, 2019 में मार्च में भाई हमारे पहले लोकपाल बन गए। कौन है भाई पहले लोकपाल, हमारे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, चलो भाई कम से कम बन तो गए, ठीक है। तो पहले लोकपाल हमारे कौन बनेंगे, पिनाकी चंद्र घोष, देख लीजिए, ठीक है भाई, देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए
कि स्वीडन में शुरुआत हुई ओम्बुड्समैन की, भारत में उसे लोकपाल कहा जाता है, ठीक है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1968 में पहली बार बिल पेश, के बहुत जरूरी है भाई याद रखना कि भाई पहली बार बिल्कुल पेश हो, पहली बार तो जरूरी है, पास कब हुआ 2013 के एंड में पास हुआ, और 1 जनवरी को क्या बन गया, वो आपका कानून बन गया 2014 में, ठीक है। अब भाई कानून बन गया 2019 में, पहला लोकपाल चुना गया, ठीक है, जो कि कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। अच्छा ये होते कौन है, ठीक है, ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, ठीक है, या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तो आप न्यायमूर्ति लगा सकते हो, न्यायमूर्ति मतलब एक्स न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष क्या थे, हमारे पहले लोकपाल थे, ठीक है भाई। चलो लोग, और वर्तमान लोकपाल, देखिए ये वीडियो हमारी करंट की है 2022 की, तो वर्तमान जो लोकपाल है हमारे वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जी, ठीक है। देखिए आप इसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम टाइम पे ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वर्तमान लोकपाल हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई 22 अगस्त 2022 को, ठीक है, तो आज तारीख है, इसके बाद कोई बन जाए तो भाई आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 22 अगस्त 2022 तक प्रदीप कुमार मोहंती जी क्या हैं, आपके लोकपाल हैं, ठीक है। अब बात आई लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त कौन होते हैं हमारे भाई, तो लोकायुक्त होते हैं राज्यों में, ठीक है, मतलब राज्यों में जो भ्रष्टाचार फैला है, भाई भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला है, तो राज्यों में भ्रष्टाचार फैला तो उसको कौन रोकेगा भाई, लोकायुक्त रोकेगा। तो देखिए राज्य भाई कुछ तेज निकले हमारे, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ 1968 में भाई पहला लोकपाल मिला तो लोग जागरूक हो गए राज्य वाले कि भाई चलो ठीक है भाई कि क्या करा जाए, एक लोकायुक्त हम भी बना लेते हैं, ठीक है, और कोशिश भी करी जाएगी, ठीक है। 1970 में उड़ीसा कोशिश करेगा, सबसे पहले भाई उड़ीसा कोशिश करेगा कि भाई चलो भाई क्या बना लेते हैं, एक लोकायुक्त बना लेते हैं, क्योंकि भाई ये राज्य में है तो आपको लोकायुक्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं भाई, नहीं बना पाया किसी कारणवश, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेकिन पहला लोकायुक्त बनाया कहाँ जाएगा, ये सवाल आपका मायने रखता है। तो जो पहला लोकायुक्त बनेगा 1971 में, एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद बन जाएगा महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र ने भाई बाजी मार ली, ठीक है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर पहला कौन बनेगा, लोकायुक्त बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कौन होगा, ठीक है, उसके बाद भाई बिहार है, ठीक है, समझो बिहार 1973 बिहार, हालांकि ये फैक्ट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको, पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे आप कभी यूपी का पेपर देते हो, बिहार का देते हो, ठीक है, तो भाई बिहार, ठीक है, जब बिहार, जब भाई बिहार ने बना लिया तो यूपी कैसे पीछे रह जाएगा, तो भाई हमारे यूपी ने भी क्या कर लिया 1975 में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी, ठीक है भाई। तो भाई यूपी, अब हम देखो यूपी बिहार, ठीक है, ये यूपी आ गया, यूपी बिहार, अब भाई एमपी क्यों पीछे रहने वाला, तो एमपी ने भी हमारा 1981 में लोकायुक्त को क्या कर लिया, बना लिया। इस तरह से धीरे 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 2013 तक, जब भाई भारत में लोकपाल बिल पास हो रहा है, तो 2013 तक हमारे 21 राज्यों ने लोकायुक्त बना लिए, मतलब लोकायुक्त को क्या बना लिया, चुनाव कर लिया, ठीक है। तो समझ रहे हो, ठीक है, 2013 तक 21 राज्यों ने क्या बना लिए थे, हमारे लोकायुक्त बना लिए थे, ठीक। तो ये देखिए हमारे फैक्ट हैं, दोबारा से भाई देख लीजिए, फैक्ट और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ले रहा हूँ ताकि आपके पास बर्डन ना बढ़े और आपको क्या हो, थोड़ा आसान लगे। तो भाई ओम्बुड्समैन की शुरुआत स्वीडन में होगी, लोकपाल भाई भारत सरकार का है, लोकायुक्त आपका राज्य सरकार का। ब्रीफ रिविजन मान लेते हैं फटाफट, बस जल्दी वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारा ओम्बुड्समैन की शुरुआत कहाँ हुई, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये सब आप समझ चुके हैं, ठीक है। 1968 में बहुत जरूरी फैक्ट है, 1968 मतलब 2013 है, फिर 1 जनवरी 2014, ठीक है। फिर आपका 2019 में भाई पिनाकी चंद्र बनेंगे, पहले लोकपाल है न्यायाधीश जी, ठीक है। और फिर हमारे क्या हो जाएंगे, जो वर्तमान में है 22 अगस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2022 की डेट है, ठीक। और फिर पहला राज्य कौन सा बनेगा, महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूपी का पेपर देते हो तो आप यूपी का कर दीजिएगा, बाकी ये फैक्ट ऐसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। तो बस इसको हम आज समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ भाई आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, कुछ और दिक्कत है आप पूछ सकिएगा, और बाकी लाइक वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।